नमस्कार मित्रों, मैं ओम त्यागी आपका अपने YouTube चैनल ओम त्यागी ऑटोमोटिव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, मैं आपको आज गाड़ी के बेसिक के बारे में जानकारी दूंगा कि गाड़ी को ड्राइविंग से पहले क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले गियर में चाबी लगाई और गियर डालने के बाद में सीधे आप लेके चले गए गाड़ी सीखने के लिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए बेसिक चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी होता है और जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये की है। की के जो होते हैं, की के तीन चीज़ होती हैं। की के वक्त की को आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको मैं दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट मोड है। उसके बाद में आप फर्स्ट एक स्टेप हो गया, उसके बाद में दूसरा स्टेप हो गया। तो स्टेप होने के बाद में आप देखेंगे कि अंदर जो है लाइट आ रही है, अंदर जो है देखिए आप लाइट आ रही है अंदर। और लाइट आने पर क्या होगा कि आपका इग्निशन ऑन है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई आपकी, तो अभी इग्निशन ऑन है। तो इग्निशन ऑन होने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद में क्या होगा कि अब आप देखेंगे चाबी को, तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी को। तो यहाँ पे आपको क्लच दबाना ज़रूरी होगा। देखिए, आप क्लच को दबाना ज़रूरी होगा, जो मैंने क्लच दबाया है, ठीक है। तो क्लच दबाया है, तो देखिए आप क्लच को दबाना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप इसको देखिए, आप मेरे हाथ को, तो इसको आप स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, मैं आपको स्टार्ट करना बताता हूँ गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे। अब आप यहां देखिए चाबी के पास में, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो क्या है कि स्टार्ट करने के बाद में ये चाबी वापस आ जाएगी। वापस देखिए आप, ये स्टार्ट हो गई गाड़ी। क्लच दबाना ज़रूरी है क्योंकि अब मैंडेटरी हो गया क्लच को दबाना हर गाड़ी के अंदर। देखिए, मैंने बंद कर दिया है। अब उसके बाद वापस इसको करेंगे तो उसके बाद ये चाबी बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि अब मैं दोबारा आपको डाल के चेक कराता हूँ कि ये फर्स्ट सेकेंड अंदर इग्निशन ऑन हो गया है। उसके बाद में अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब स्टार्ट करने के बाद इसको बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट करने के बाद में इसको दबा के रखते हैं, पर दबा के नहीं रखना है। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप चाबी को आप जैसे ही दबाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि ये वापस आ जाएगी। इसको छोड़ देना है, स्टार्ट होने के बाद छोड़ देना है, चाबी वहीं वापस आ जाएगी। अब देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। स्टार्ट होने के बाद इसको छोड़ देना है, चाबी वहीं पर आ जाएगी। तो उसके बाद ये स्टेप आपका हो गया। अब उसके बाद में क्या देखना है, अब आपको देखना है कि ये जो चीज़ है इसका क्या बेनिफिट है। अब इसको देखते हैं कि इसमें मूवमेंट है हेडलाइट के ऑन के लिए। अब इसको मैंने आपको चाबी इग्निशन ऑन किया तो क्या होगा कि देखिए, अब मैंने इसको यहाँ से वन स्टेप, टू स्टेप। तो टू स्टेप में अंदर देखिए यहाँ पर एक लाइट आ रही है जो हेडलाइट ऑन का इशारा करती है। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइट आ रही है इसकी, तो इस लाइट का मतलब होता है कि ये हेडलाइट आपकी ऑन है, ठीक है। तो इसको इसी लीवर के बारे में हम बात करेंगे कि अगर इसको आप अप करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ऊपर का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब आप लेफ्ट को टर्न करने के टाइम पर इसको आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में अगर आप इसको नीचे राइट करेंगे तो राइट का इंडिकेटर जो ऑन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप राइट को अगर टर्न करें तो राइट टर्न पर आपका इंडिकेटर इसको ऑन करना ज़रूरी है। उसके बाद में क्या होगा, इसको बीच में ले आएंगे तो ये स्टॉप। अब आपको बेसिक आपको मैं बता देता हूँ कि अगर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, सेंटर, न्यूट्रल, उसके बाद नीचे आप लाएंगे तो राइट साइड का इंडिकेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ठीक है, अब मैंने आपको ये चेक करा दिया है कि इसकी क्या चीज़ होती है। अब ये हेडलाइट ऑन हो गई है। हेडलाइट ऑन होने पर उसके क्या होगा कि जैसे सामने से आप अगर सामने से कोई वाहन आ रहा है तो वाहन को ये हेडलाइट जो होती है, एक बल्ब के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक तो होती है ऊपर की लो हाई बीम और एक होती है लो बीम। अब ये हाई बीम जल रही है। अब हाई बीम जलने के बाद में अगर इसको लो बीम पर करना है तो इसको यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा और नीचे करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, अगर अभी तो दिन है फ्रेंड, मैं रात को कभी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि क्या होता है इससे कि इसके अंदर अगर बेसिक चीज़ ये है कि इसको अगर हेडलाइट अगर ऑन होगी तो ये अपर ऊपर जाएगा, ऊपर हेडलाइट जो है वो ऊपर जाएगी। और अगर इसको हम यहाँ पे कर देंगे तो क्या होगा कि ये लाइट नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक बल्ब के अंदर दो पॉइंट होते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाले की आँखों के ऊपर कोई तेज रोशनी की वजह से उसको आपकी गाड़ी दिखाई ना देती। इसलिए जब कभी हम किसी सामने वाले ट्रक से
साइड लेते हैं तो उसके लिए उसको ऊपर रखना पड़ता है। तो अगर ये आप कोई गाड़ी वाहन आप सामने से नहीं देख आ रहा तो इसको आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ है आपका वाइपर का। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ये चीज़। अब आ जाते हैं लेफ्ट में जो ये लीवर है, ये कॉम्बिनेशन स्विच के जो लेवर होते हैं, इसका वाइपर है। वाइपर को आप देखेंगे, अगर इसको आप ऊपर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि सामने से देखिए, आप सामने से इस विंडस्क्रीन से देखिए वो आ रहा है, ये आ गया, ये वाइपर चल गया है। इसको अगर ऊपर करेंगे आप ऐसे एक बार प्रेस करेंगे तो ऊपर से आपका वाइपर का वाइपर चलेंगे दो बार, और उसके बाद में ये वाटर आपका फ्रंट विंडस्क्रीन पे स्क्रीन पे आपका देगा। उसके बाद में अगर आपको इसको फिर स्पीड है वन स्पीड, अब वाइपर देखिए आप एक बार चला उसके बाद बंद हो गया, अब इसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद अब दोबारा मैं फ़ोन करूँगा तो देखिए वाइपर चला और बंद हो गया। अब ऐसे कि बारिश जो होती है कभी कभी क्या होता है कि हल्की होती रहती है, और हल्की होने की वजह से तो फ्रेंड क्या होता है कि अगर इसको बारिश तेज़ है तो तेज़ बारिश में क्या होगा कि आप इसको, इसमें स्टेप है, आप एक बार दबाएंगे ऊपर तो ये वाइपर आपका चलेगा, मैं स्विच लगा वाइपर चलेगा, देखिए एक बार पानी दिया और वाइपर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप इसको दोबारा एक बार नीचे करेंगे तो एक बार वाइपर चल के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार वाइपर चलने के बाद में क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि दोबारा नीचे आकर करेंगे तो देखिए इस वाइपर की स्पीड को देखिए आप, ये लगातार चलना शुरू हो जाएगा और स्पीड तेज़ हो जाएगी। उसके बाद नीचे करेंगे तो और तेज़ हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये स्पीड है इसके अंदर ऑफ हो गया सबसे ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे ऑफ हो गया, उसके बाद में आप नीचे करेंगे तो वाइपर चलेगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक के आपके वाइपर चलेगा ऐसे। अब उसके बाद में आप सेकेंड स्टेप पर जाएंगे तो तेज़ चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद थर्ड स्टेप पर जाएंगे तो और तेज़ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका वाइपर का। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये लीवर के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लीवर है गेयर लीवर, तो इसको कैसे क्या कैसे कैसे डालना है, इसको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट सीधा राइट फर्स्ट गियर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसको पीछे आप ले लेंगे तो सेकंड, उसके बाद में थर्ड, और उसके बाद में आपका सीधा फोर्थ, उसके बाद में फिर फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ गियर लग गया आपका, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल करने के बाद में पीछे रिवर्स राइट। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टेप है अभी अब मानिए कि यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट और बीच में न्यूट्रल, तो तीन स्टेप है इसमें, लेफ्ट यहाँ से राइट और बीच में न्यूट्रल। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो आपका कोई गियर नहीं लगा हुआ गाड़ी के अंदर, ठीक है। ये गाड़ी इस टाइम यहाँ पे न्यूट्रल है, तो आपको जो फर्स्ट गियर डालना है तो पहले इसको हम पूरा हल्का सा प्रेस करेंगे लेफ्ट में, उसके बाद फर्स्ट गियर क्लच दबाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट गियर डल गया उसके बाद यहीं वापस उसको लेफ्ट में प्रेस करके रखेंगे और सेकंड गियर इसका डल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में इसको नीचे से यहाँ पे न्यूट्रल आ गया और उसके बाद सीधा ऊपर थर्ड। अब उसके बाद में आप देखेंगे दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके बाद में आप यहाँ से सीधा न्यूट्रल और फोर्थ, तो ये फोर्थ गियर। उसके बाद में जब आप गियर फिफ्थ गियर गिरेंगे तो यहाँ से आपका फिफ्थ गियर लग गया। तो अब क्या होगा कि अगर रिवर्स में आपको डालना है तो ऐसे सीधा रिवर्स में नहीं आएगी गाड़ी, कभी भी रिवर्स में नहीं आएगी गाड़ी अगर क्योंकि ये मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पर रिवर्स में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल करना, जैसे फिफ्थ गियर डाला हुआ है आपने तो उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद में फिर आपको रिवर्स डालना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स के बाद में फिर आपको न्यूट्रल। तो ये आप गियर का स्टेप है, किस तरीके से गियर कैसे काम करते हैं। तो आपको ये आई होप कि मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी आ गई होगी इसके बारे में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद में आपको यहाँ देखिए ये जो सिस्टम है, ये एसी का पैनल है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या वर्क करते हैं ये। अब आपको इसके बारे में बताऊँ, कहीं सपोज करिए कहीं आप खड़े हुए हैं और गाड़ी को आपने रोक दिया है, तो रोकने के बाद में क्या होगा कि इस बटन को आप अगर प्रेस करेंगे
तो क्या होगा, चारों इंडिकेटर आप देखेंगे तो वो एक साथ, चारों इंडिकेटर एक साथ आपको ब्लिंक करना शुरू हो जाए। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है तो जो कोई किसी और वाहन को पता चल जाएगा, किसी दूसरी गाड़ी वाले को पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी यहाँ पे आपने पार्क की हुई है या कोई ख़राब हो गई है किसी वजह से। चारों इंडिकेटर इसी दौरान जलाए जाते हैं कि कहीं आपकी गाड़ी पार्क है, यानी किसी दूसरे को पता चल सके कि आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर होता है ये बटन, इसको पुश करेंगे तो वापस इंडिकेटर बंद हो जाएंगे। और यहाँ किसी किसी गाड़ी के अंदर वैगनार वगैरह पुराने मॉडल में यहाँ पे होता है, इस जगह पे एक बटन होता है, ठीक है, हैजर्ड का। तो अभी आपको मैं इस लाइटर दूसरी आप अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये स्टेप है आपका हेडलाइट का। तो हेडलाइट जो है अभी तो पता नहीं चलेगा हेडलाइट का, ये हेडलाइट का इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं हेडलाइट को। अगर सपोज करिए कि पीछे चार कोई तीन लोग बैठे हुए हैं, पीछे आपके यात्री बैठे हुए हैं आपके साथ में, तो क्या होगा कि पीछे से गाड़ी दब जाएगी। उस स्टेप में क्या होगा कि जो गाड़ी का जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइट में, लाइट के अंदर, हेडलाइट के अंदर मोटर लगी हुई होती है, तो इसको आप ऊपर या नीचे इसको करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कहाँ पर मोटर लगी हुई थी हेडलाइट के अंदर, तो ये ऊपर या नीचे आपकी गाड़ी को, इससे आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आ गया, ये बेसिक चीज़ें आपको ड्राइविंग से पहले पता होनी चाहिए कि बेसिक चीज़ें ये होती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो नोब है इसके अंदर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो नोब है ये क्या काम करती है कि आप इसको, ये आपकी एक्चुअल रीडिंग आ गई है, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग आने के बाद में अब इसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो ये ए ट्रिप लिखा हुआ है इसके अंदर ए। तो इस नोब का क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको देखिए यहाँ पे, अगर एक बार आप, ये वो एक्चुअल रीडिंग है आपकी, ऊपर जो शो कर रहे हैं ई, ये फ्यूल का इंडिकेशन है, ये जो आपके कितना फ्यूल है इसके अंदर, तो लगभग 10 फ्यूल का होता है इसके अंदर आपका, कि 10 जो बिलिंग होती है बिंदियाँ, तो ये 10 होती हैं। तो अभी नीचे की रीडिंग जो आ रही है उसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो ए आ गई है। ए पे क्या होगा मित्रों, ये एक रीडिंग है इसको चेक करने के लिए कि कितनी किलोमीटर, सपोज करो कि आपका ऑफिस कितनी दूर है, तो आप अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी। एक इसके बाद अगली बार प्रेस करेंगे तो बी रीडिंग आ जाएगी, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि ए और बी को हम मेजर कर सकते हैं किसी की, सपोज करो कि आपका यहाँ से आपको जाना है अपने ऑफिस, तो ऑफिस कितने किलोमीटर है आपके होम से, तो ये पता करने के लिए अब ये रीडिंग चलनी शुरू हो जाएगी, तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कितनी रीडिंग है। दूसरी दो रीडिंग आप इसमें मेजर कर सकते हैं, बी को भी आप मेजर कर सकते हैं, ये भी आपकी रीडिंग को चेक करेगी कितना किलोमीटर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अब वापस पे आ जाते हैं, तो आप इसको जीरो करने के मतलब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा कि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी को भी आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसको भी आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आप, अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि जो लेफ्ट में जो आपको ये मीटर दिखा रहा है एक्स 1000 RPM, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब बताया सर RPM राउंड पर मिनट, एक मिनट में आपका इंजन कितनी बार रन कर रहा है, इसका ये मतलब होता है कि एक बार में आपका इंजन कितनी बार रन कर रहा है। तो अभी ये लगभग 1100 के करीब में है, ठीक है, तो 1100 के करीब में इसको मैं रेस, ठंडी गाड़ी है तो ठंडी गाड़ी के उसमें क्या होता है कि ये वार्म अप होती है गाड़ी, तो इसको ये ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मैंने देखी गाड़ी बंद कर दी है तो ये जीरो आ गया, इसका यही मतलब है कि लेफ्ट वाली मीटर का आपका कि राउंड पर मिनट, एक मिनट में आपका इंजन कितनी बार रन कर रहा है, कितनी बार घूम रहा है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, क्योंकि ठंडी गाड़ी है तो ठंडी गाड़ी में थोड़ा सा ऊपर मैकेनिज्म होता है इसके अंदर गर्म करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो मीटर है ये आप कस्टमर पैनल जो है, एस्टिमेशन पैनल है ये, इसके अंदर दूसरा जो मीटर होता है ये होगा आपका कितनी स्पीड पर आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है। आप भी 10, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 140 तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है।
अब हॉर्न जो होगा आपका वो यहाँ से होगा, हॉर्न जो प्रेस होगा वो यहाँ से होगा, ये हॉर्न बज गया आपका, इसको कहीं से आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं मैं जो आपको बता रहा था, ठीक है। अब इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ कि इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। चलिए चलते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक के पे आपको, हैंड ब्रेक का मतलब कि गाड़ी को कहीं किसी ढलान वगैरह पे अगर आपने खड़ी की है तो वहाँ पे ये नीचे ना जाए, उस कंडीशन में इसको रखा जाता है। तो अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो गाड़ी किसी ढलान पे खड़ी तो नीचे चलना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद में अगर दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा, अब इसको आप खींच दिया तो ये हैंड ब्रेक आपके ऑन हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑन होने का सिंबल है। उसके बाद ये नीचे जाएगा तो डाउन हो जाएगा। तो ये हैंड ब्रेक की बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये किसी भी ड्राइविंग सीखने वाले को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसको चेक करते रहें कि ये चीज़ इसके लगे होने पे क्या होगा और इस चीज़ों का क्या मतलब होता है, ठीक है। उससे अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ मीटर के अंदर। अभी जो लाइट आ रही है, अभी लाइट क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ की लाइट है। ये जो होती है सर, ये वाली जो लाइट है ये आपका ऑयल की लाइट है, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आकर गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग में, तो मित्रों मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा मैं। तो ये जो लाइट है आपकी, ये इंजन ऑयल की लाइट है। अगर सपोज करो मित्रों कि ये मैंने इसको स्विच लगाया, स्विच लगाने पर ये लाइट आई, इसका मतलब इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा जो इंजन ऑयल के जो अंदर सेंसर होता है उसके वो बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग पे ये लाइट आ रही है। अब दूसरे नंबर की जो लाइट है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि किस चीज़ की लाइट है। ये लाइट है बैटरी की। बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही है तो स्टार्टिंग पे ये लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, ये वाली लाइट, ठीक है। तो ये अल्टरनेटर के लिए होती है कि अल्टरनेटर काम ठीक तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी जो लाइट है ये है चेक इंजन लाइट, माल MIL लाइट, माल इंडिकेटर। हेलो, ये जो लाइट होती है दोस्तों, तीसरे नंबर की जो लाइट है ये है चेक लाइट, इंजन चेक लाइट कहते हैं इसको। अगर किसी इंजन के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं उसके अंदर किसी के अंदर प्रॉब्लम है तो ये लाइट इंडिकेट कर जाएगी स्टार्टिंग गाड़ी। ये जो है आपकी इमोबिलाइजर की लाइट है। अब मैं आपको इसके बारे में भी अलग से मैं आपको वीडियो बता दूंगा कि ये एक ट्रांसपोर्टर होता है जो चाबी के अंदर, एक ये जो चाबी है आपकी, इसके अंदर एक चिप लगी हुई होती है, और चिप मैं आपको पूरे इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें बात करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो है वो इमोबिलाइजर की लाइट है, चाबी की जो की है उसकी लाइट है। उसके अलावा ये जो आगे आप स्टीयरिंग बना हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका एक स्टीयरिंग जो है EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की लाइट है। अगर ये स्टार्टिंग में आ जाएगी तो इसका मतलब आपका पावर स्टीयरिंग जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये आपको आप देखिए, मैं स्विच को बंद करता हूँ और दोबारा चलाता हूँ। इधर एक लाइट आ रही है रेड कलर की, तो ये जो लाइट है ये है आपकी हीटिंग की, ठीक है। ये हीटिंग की लाइट है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये लाइट आके वापस जा रही है तो इसका मतलब ये इसका जो बल्ब है वो ठीक से काम कर रहा है। ये इसका मतलब होता है मित्रों कि जब कभी गाड़ी आपकी गर्म हो जाएगी या हीट हो जाएगी तो उसके उस टाइम पे ये लाइट इंडिकेट करना शुरू कर देगी आगे, ठीक है। अब आपका ये जो लाइट है, इससे अगले स्टेप पर चलते हैं। ये जो लाइट है ये है आपकी ब्रेक ऑयल की लाइट। ब्रेक ऑयल अगर आपका गाड़ी के अंदर ख़त्म हो गया है तो ये इंडिकेट लाइट करेगी। दो ये लाइट दो काम करती है। अगर आपने हैंड ब्रेक, मैंने देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने हैंड ब्रेक खींच दिए हैं तो देखो ये लाइट आ गई है, ठीक है। तो ये दो काम करती है, एक हैंड ब्रेक अगर आपके लगे हों तब भी ये लाइट इंडिकेट करेगी, और अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ हैंड ब्रेक को, देखिए मैंने डाउन कर दिया है तो ये लाइट चली गई है, ठीक है। और अब मैंने वापस स्विच को वापस बंद करा और उसके बाद इग्निशन ऑन किया तो देखो ये लाइट आई और उसके बाद में ये लाइट चली गई है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ब्रेक ऑयल भी हमारी गाड़ी के अंदर है और आपकी गाड़ी के हीट का कंडीशन में आती है। ये जब हीट हो जाएगी तब भी आपको ये चाबी वाली जो लाइट है ये दिखाई देगी, और जब कभी ये दूसरी वाली जो लाइट है
वो आ जाएगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइट बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल ठीक है। अब स्टार्टिंग के टाइम पे अगर कोई लाइट आ रही है इसके अंदर, मित्रों मैं स्टार्ट करता हूँ तो अभी कोई लाइट नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं देखो हैंड ब्रेक में लगाता हूँ तो देखिए ये लाइट आ गई, क्योंकि ये हैंड ब्रेक को मैंने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है तो ये इसलिए लाइट दिखाई दे रही है। अब इसको मैं डाउन कर देता हूँ तो देखिए वो लाइट चली गई है वहाँ से, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में ये आपको जानकारी है, ठीक है। उसके बाद में अभी हम इंजन की तरफ चलते हैं कि इंजन के बारे में क्या क्या बेसिक चीज़ें एक जो गाड़ी ड्राइविंग सीखने वाले को पता होनी चाहिए, तो वो गाड़ी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी लाइट इसके अंदर हैं, ये स्टार्ट पे कोई भी लाइट गाड़ी के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर इसके अंदर इंजन ऑयल कम हो गया और ख़त्म होने की वजह से ये इंडिकेट आपको करेगा स्टार्ट पर। अगर ये लाइट आ रही है स्टार्ट गाड़ी के अंदर, तो मित्रों गाड़ी को वहीं पर रोक दें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। दूसरे नंबर की जो लाइट है वो है बैटरी की। अगर आपकी गाड़ी का अल्टरनेटर काम नहीं करेगा तो ये लाइट स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो आप गाड़ी को रोक दें या किसी टेक्नीशियन को इसको दिखाएं। तीसरी लाइट है चेक इंजन लाइट। आपके इंजन के अंदर जो सेंसर होते हैं वो किसी भी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर एवरेज कम आएगा, पिकअप कम आएगा, ठीक है। जो चार नंबर की जो लाइट है वो इमोबिलाइजर की लाइट है। तो इसके अंदर चाबी के जो ट्रांसपोंडर होता है चाबी के अंदर, उसमें किसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको चेक करें। जो आपकी पाँचवें नंबर की लाइट है, फिफ्थ नंबर की, तो इसके अंदर क्या है कि स्टेयरिंग जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये लाइट स्टार्टिंग के टाइम के अंदर आ रही है तो ये आपका जो स्टेयरिंग है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको भी किसी वर्कशॉप के अंदर चेक कराइए। तो ये पांच कोई भी लाइट है मित्रों, कोई भी लाइट इसके अंदर नहीं आनी चाहिए आपके स्टार्टिंग के टाइम में। ये पाँचों लाइट और उसके अलावा दो लाइट ऊपर है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ, दो लाइट जो हैं, तो कोई भी लाइट आपका स्टार्टिंग के टाइम पर नहीं आनी चाहिए। तो मित्रों अब दिखाता हूँ इंजन के बारे में क्या क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो ये गेज होता है, मैं आपको दिखाने जाता हूँ कि ये इसको इंजन ऑयल को चेक करने के लिए होता है। अब इसके अंदर मैं आपको, आप अगर दिखाई दे रहे हैं तो दो इसके अंदर नोब है, ये दो नोब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर ये दो पॉइंट है, ये आपका मिनिमम मैक्सिमम का काम करता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इंजन ऑयल को चेक। सुबह सुबह जब गाड़ी आप लेके चलें तो सबसे पहले इसको डालिए और इसको जो सीधा ही इसको निकालिए। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितना इंजन ऑयल है। तो आप अभी आपको चेक करेंगे देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे इसका जो लेबल है वो है यहाँ तक। अगर आप दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है इसका, देखिए आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, तो इसको आप चेक करेंगे। अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच में ये इंजन ऑयल रहना चाहिए तो आपका इंजन ऑयल, इसको सबको चेक करना है, ये इंजन ऑयल यहाँ से इसको चेक करेंगे। उसके बाद में इंजन ऑयल जो डालने के लिए होता है वो ये होता है, यहाँ से इंजन ऑयल, इसको इंजन ऑयल डालने के लिए यहाँ से आप डालेंगे। उसके बाद और चीज़ें यहाँ से आप वाइपर के अंदर जो पानी डालना होता है उसको आप यहाँ से डालेंगे, ठीक है। शैम्पू जो स्क्रीन वॉश होता है यहाँ पे आप इसमें डिस्टिल वाटर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे आपको बताना चाहता हूँ ये ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल का जो लेबल होता है ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम तो इसके अंदर इन दोनों के बीच में पॉइंट में मैक्सिमम तक आपका ये होना चाहिए ब्रेक ऑयल। तो आप इन अगर ब्रेक ऑयल नहीं होता होगा मित्रों तो क्या होगा कि आपको ब्रेक नहीं लगेंगे गाड़ी के अंदर। इसी तरीके से ये कूलेंट है, कूलेंट का आप कूलेंट को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। कूलेंट जो रेडिएटर के अंदर होता है तो आप इसको चेक करेंगे। आप फुल का जो लेवल है देखिए, आप अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फुल और यहाँ पे लो, नीचे है फुल और लो का,
तो ये फुल और लो जो है इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप उसको अगर कम है तो उसको आप डाल सकते हैं। फिर देखिए लो का आ रहा है, फुल का आ रहा है, तो ये कूलेंट की रिजर्व बार बोतल होती है कि अगर रेडिएटर के अंदर इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, इसको गर्म गाड़ी पे ना खोलें, इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको गर्म गाड़ी पे ना खोलें। अगर आप इसको गर्म गाड़ी पे खोलेंगे तो क्या होगा मित्रों, ये आपका हाथ आप जल सकता है या मुंह पे भी आपका कूलेंट गर्म होता है, तो इसको सदा ठंडी गाड़ी पे खोलें। तो ये लेवल देखिए पूरा लेवल है इसका, तो इसको आप चेक करेंगे तो रोज़ इसको गाड़ी को आप जब चलाएंगे तो उससे पहले इसको आप चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर। ये बैटरी है, बैटरी के वाटर को भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, आप इसको खोल के इसके अंदर वाटर चेक कर सकते हैं। अब तो ऐसी बैटरी आ रही है मित्रों की बैटरी को में पानी चेक करने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। ये मित्रों इसका फ्यूज बॉक्स है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये एल्टो K10 गाड़ी है मारुति की, तो ये फ्यूज बॉक्स है, ये रिले वगैरह है, तो अगर इसमें किसी कहीं चलाते टाइम आपकी गाड़ी कहीं बंद हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, हो सकता है कोई सा फ्यूज जो है वो ख़राब हो गया, तो इसके अंदर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसका कौन सा फ्यूज है, तो इससे आप इसको चेक कर सकते। इस फ्यूज के बारे में भी अलग से मैं आपको वीडियो दे दूँगा बना के, क्या क्या इसके अंदर चीज़ है, ठीक है। ये आपका एयर फिल्टर हो गया, इंजन के अंदर एयर फिल्टर यहाँ पर होता है, इसको आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं, यहाँ से एक क्लिप हटा के आप इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाइपर की मोटर है आपकी, वाइपर की मोटर, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये रेडिएटर है, इसको जो चेक करने की चीज़ होती है, ठीक। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आपसे मेरी यही विनती है कि मैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ और आगे भी आपको मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू मित्रों, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो कार सीखें पार्ट 2 में। थैंक यू।